नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा और मैं यहां कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में आई स्पेशलिस्ट के रूप से कार्यरत हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं चश्मों से रिलेटेड या रिफ्रैक्टिव एरर से संबंधित जो मन में गलत धारणाएं हैं उनको दूर करना चाहता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। यदि हम अपने बच्चों की पहली जाँच 4 से 8 साल की उम्र के बीच कर सकें तो हम उन्हें परमानेंट नेत्र डैमेज से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा जिसको चश्मे का नंबर हो और 8 साल तक वो चश्मा ना लगाना शुरू करे तो उसकी नज़र स्थायी रूप से कम हो सकती है, जिसको बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। इससे जुड़ी पहली गलत धारणा तो यही है दोस्तों कि चश्मा बच्चों को नहीं लग सकता। दोस्तों, चश्मा किसी को भी लग सकता है, किसी उम्र में भी लग सकता है, और अगर किसी बच्चे को चश्मा है तो सही टाइम से स्टार्ट करना उसकी आंखों को बचा सकता है। एक और गलत धारणा है कि आंखों की कमज़ोरी को चश्मा कहते हैं, या चश्मा लग जाने का मतलब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। चश्मे का नंबर तब लगता है जब हमारी आंखों का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा हो, जो कि किसी के वश में नहीं है। ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। जैसे हम किसी की हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही किसी की आंखों के साइज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसके अनुसार ही चश्मे का नंबर तय होता है। अगर आंखें ज़रूरत से थोड़ी लंबी हैं तो चश्मे का नंबर माइनस में आता है, अगर आंखों का साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है तो चश्मे का नंबर प्लस में आता है। हमारे पास रेगुलरली बच्चे आते हैं अपने चश्मे की जाँच कराने के लिए कि चश्मे के नंबर में कोई बदलाव है कि नहीं, और बदलाव दिखते ही पेरेंट्स का सबसे पहला कमेंट होता है कि इसकी आंखें और कमज़ोर हो गई हैं क्या। तो जैसे मैं बता रहा था, चश्मा होना कमज़ोरी नहीं है, और उसी प्रकार चश्मे के नंबर का चेंज होना किसी वीकनेस का हट जाना या वीकनेस का आ जाने का संकेत नहीं है। चश्मे का नंबर कम होने का ये मतलब नहीं कि मेरी आंखें और ताकतवर हो गई हैं, या चश्मे का नंबर बढ़ जाने का ये अर्थ नहीं कि मेरी आंखें और कमज़ोर हो गई हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आंखों का नाप, आंखों का साइज़ चेंज हो गया है और अब हमें नए नाप का चश्मा बनवाना है। एक और बात है, बच्चों में चश्मा लग जाना अमूमन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ते समय या टीवी देखते समय ही लगाना है या क्लास में ही पहनना है। ऐसा नहीं है, चश्मे का नंबर उन्हें फुल टाइम प्रयोग करना है। हमारी पास देखने की क्षमता हमारी आँखों की मांसपेशियों पर निर्भर करती है। जब हम पास देखते हैं तो मांसपेशियाँ जोर लगाकर फोकस एडजस्ट करती हैं और हम पास साफ देख पाते हैं, पर अगर दूर का ही सही नंबर हमने नहीं पहना होगा तो वह मांसपेशियां सही से अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। तो चश्मा बच्चों को खासकर फुल टाइम लगाना ज़रूरी है। सिर्फ पास का चश्मा 40 की उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों को लगता है, और उनको हम सलाह देते हैं कि सिर्फ नज़दीक के काम के टाइम चश्मा पहनना है। बच्चों के लिए ये बात वैलिड नहीं है। एक और बात है, चश्मा लगते ही पेरेंट्स का पहला सवाल होता है कि बच्चे को क्या खिलाएं कि इसका चश्मा उतर जाए, या क्या कराएं एक्सरसाइज जो चश्मा हट जाए। उनको मैं मजाक में कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ खाने से चश्मा हटता होता तो मैं अपना ना हटा लेता। बात ऐसी है कि खाना पीना सही मात्रा में हर चीज़ अपने आप में ज़रूरी है। कुछ ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाऊं तो आंखें बेहतर हो जाएं, कुछ ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाऊं तो मेरे पैर ताकतवर हो जाएं। सही मात्रा में सभी चीज़ें आवश्यक हैं, ना किसी चीज़ की ज़्यादा ना किसी चीज़ की कमी। आँखों की अच्छी सेहत के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि विटामिन ए युक्त चीज़ें जैसे कि गाजर, आंवला, हरी साग सब्जियाँ या पपीता, ये अच्छा है, पर इनको ओवर मात्रा में ना लीजिएगा कि इसके खाने से मेरा चश्मा उतर जाए, इसके खाने से मेरी आंखें बेहतर हो जाएं। सब कुछ युक्त मात्रा में। चश्मा लगते ही पेरेंट्स का कहना यह है कि ये टीवी ज़्यादा देखता है, नज़दीक जाकर देखता है, मोबाइल बहुत चलाता है, इसलिए इसको चश्मा लगा। ऐसा नहीं दोस्तों, हमारे ज़माने में मोबाइल उतने प्रयोग में नहीं आते थे, फिर भी हमें चश्मा लगा। चश्मा मेनली, जैसे हम बात कर रहे थे, आँखों के साइज़ पर निर्भर करता है, पर हाँ, टीवी बहुत ज़्यादा देखना या बहुत लंबे टाइम तक लगातार देखना, मोबाइल यानी पास का काम बहुत लंबे टाइम तक करना ज़रूर चश्मे पर निर्भर करता है, चश्मे पर अपना असर लाता है, पर उसकी वजह से ही चश्मा लगा ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट टीवी पास जाके देखना एक लक्षण हो सकता है कि शायद बच्चे को चश्मा लग गया है, इसलिए वो पास जाकर देख रहा है, क्योंकि पास जाकर ही उसको टीवी साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए चश्मा होने की वजह से वह टीवी के नज़दीक जा रहा है, ना कि टीवी नज़दीक होने की वजह से उसको चश्मा लग गया है। एक बात यह भी है कि सरदर्द होने पर ही लोग चश्मे की जांच के लिए निकलते हैं। सरदर्द का उस हिसाब से मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह कई ज़रूरतमंद लोगों को चश्मे की जांच पर लेकर आता है, पर सरदर्द होने का इंतज़ार ना करिए, या फिर
सिर्फ सरदर्द ही चश्मा लगने का लक्षण हो ऐसा भी नहीं है। इस वीडियो से यह भी मेरा एक उद्देश्य है कि चश्मे से जुड़ा जो स्टिग्मा है उसे दूर करना है। इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी आज के समाज में किसी को चश्मा लग जाना एक अजीब सी नज़र से देखा जाता है। बच्चा स्कूल में पहन के जाए तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यह गलत धारणाएं दूर करके यह भी चाहता हूं कि बच्चे आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि किसी ने कोई अच्छे काम किए और उसको चश्मा ना लगा, या किसी ने कुछ बुरे काम किए जो उसको चश्मा लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसी को चश्मा लगता है तो कृपया उसका मजाक ना उड़ाएं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपके चश्मे से संबंधित कई सवालों के जवाब मिले होंगे और कई गलत धारणाएं दूर होंगी।